हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इंदौर में MP09 का नारा बुलंद कर दिया और 9 की 9 सीटों पर कमल खिलाकर कांग्रेस का एक तरह से सुपड़ा ही साफ कर दिया। लेकिन कांग्रेस भी यहां पर कहां मानने वाली थी, विपक्षी धर्म निभाते हुए अब कांग्रेस पार्टी ने इंदौर में एक नहीं बल्कि 6-6 शहर कार्यकारी अध्यक्ष दे डाले हैं। ऐसा इसलिए ताकि कांग्रेस पार्टी को चारों दिशाओं से नहीं बल्कि हर छोर से मजबूत किया जा सके। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इंदौर में पहले से ही गोलू अग्निहोत्री को कार्यकारी शहर अध्यक्ष की कमान दे रखी थी, लेकिन उसके ठीक बाद अब टंटू शर्मा, अमन विजाज, लच्छू मिमरोड, अरविंद बागड़ी और देवेंद्र यादव का नाम इस फहरिस्त में शामिल हो गया है। बड़ी बात यह है कि ये वो तमाम नेता हैं जो कि शहर कांग्रेस के पुराने चेहरे भी माने जाते हैं और जिनकी अनदेखी के चलते विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं ये पार्टी से दूरियां बनाने लगे थे। लिहाजा अब पार्टी ने ट्रंप कार्ड चला है और इन्हीं चेहरों के कंधों पर शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस जिम्मेदारी के बाद भी क्या ये तमाम नेता विपक्षी दल कांग्रेस को मजबूती के साथ सामने ला पाएंगे और बीजेपी के अभेद किले को क्या भेद पाएंगे और मिशन 2024 में क्या कांग्रेस का ये जंबो शहर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष का फॉर्मूला रंग लाएगा, ये एक बड़ी पहेली है। फिलहाल इतना ही, क्योंकि यह है MP News पर शॉर्टकट पॉलिटिक्स।